आईफोन 14 प्लस अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईफोन का जो 14 प्लस है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया सेल में आपको विदिन डेज में मिलने वाला है बहुत सही रेट में। कैसे पूरा वीडियो देखना, यहाँ पर आप 50,000 रुपये 48,000 कैसे ले पाओगे पूरा वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने नहीं किया आज का वीडियो स्टार्ट गाइस। यहाँ पर देखिए आईफोन 14 प्लस जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, और मतलब मेरे हिसाब से जिन लोगों को बड़े फ़ोन पसंद है ज़्यादा बढ़िया बैटरी लाइफ चाहिए ना, तो उन्हें तो 14 बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और उन्हें 14 प्लस ले लेना चाहिए। बात करते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 48,000-50,000 में कैसे ले पाओगे इतने कम प्राइस में। अगर अभी आप जाते हो तो इसका प्राइस 77,000 शो कर रहा है, अब मुझे नहीं पता बदलता रहता है प्राइस, देख लेना अभी क्या हो रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब अभी तो हम इसको भाई प्लान करने की सोचते भी नहीं है, बट बात करते हैं नेक्स्ट जब ये सस्ता हो जाएगा, मतलब जब बिग बिलियन डेज आ जाएंगी, तो ये फ़ोन आपको फ्लैट डिस्काउंट में 60,000 तक आराम से जाने वाला है 60-55,000 रुपये के। एंड देन आपको करना क्या पड़ेगा, देन आपको 2-3,000 रुपये का यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर मिल जाएगा एक्स्ट्रा। हाँ ऐसा नहीं आपके पुराने मोबाइल के वैल्यू में ले रहा हूँ, नहीं 3,000 और एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो आपके मोबाइल के साथ, तो उसको हम जोड़ नहीं रहे, 3,000 वो और 3,000 कार्ड ऑफर मिलेगा, वो बैंक अभी तक पता नहीं चला, SBI है, SGFC है, ICICI कौन सा है तो पता नहीं चला, बट पता चल जाएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि डेबिट कार्ड में भी होने वाला है, तो उसमें इशू नहीं होगा, बहुत से लोगों का डेबिट कार्ड रहता है इसलिए, तो ये ऑफर आपको देखने मिलने वाला है। तो 3,000 वो 3,000 6,000 रुपये 55,000 से अगर 6,000 माइनस कर ले तो 49,000 भी पड़ता है, मतलब 49,000 में इससे बेटर स्मार्टफोन मुझे नहीं लगता कोई होगा। आईफोन 14 प्लस बिल्ड डिजाइन बहुत प्रीमियम मिलता है, डिस्प्ले आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है, तो अगर जिनको छोटे पैनल चलाने में मज़ा नहीं आती थी ना, तो भाई यहाँ पर आपको बड़ा पैनल मिल जा रहा है, और आप लोग बढ़िया से इस्तेमाल करिए इसको। देन इसका जो डिस्प्ले बहुत अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। देन A15 वाला आपको चिपसेट मिल जाता है, कैमरा डिपार्टमेंट में 12 MP के डुअल रियर मिलते हैं, 4K कर पाओगे, एंड सेल्फी में 12 MP की सेल्फी मिल जाती है, और इसकी बैटरी जो है ना 14 से बहुत बेटर है, तो अगर हैवी यूज़ भी करते हो तो कोई इशू आपको नहीं होने वाला है। हाँ वो है कि चार्जर अलग से परचेज करना पड़ेगा आप लोगों को, एंड UI तो iOS मिलता ही जो बेस्ट है। ये है कि इस पूरा आईफोन 14 प्लस अगर आप लोग उसे परचेज करने की प्लान कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है, बहुत अच्छे प्राइस में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, फॉर एग्जांपल इसकी सेल 3 अक्टूबर को है और आप लोगों को 11:30 बजे चले जाना है, 11:30 से 12:30 बजे तक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2-3 बजे जब नेक्स्ट सेल आएगी इसकी एक सेल में चला जाएगा ना इसकी प्राइस बदल जाएगी, मतलब 55,000 से अगर स्टार्ट किया है ना तो 57 हो जाएगी, 59 हो जाएगी, 60 ऐसे बढ़ती जाएगी प्राइस। तो कोशिश यही आपको करनी है कि फर्स्ट सेल में ही आप इसको परचेज कर लो, बिकॉज मैंने जैसे ही आपको बहुत सारी वीडियो में बता भी चुका हूँ कि इनकी यही होता है स्ट्रैटेजी कि भाई पहले प्राइस कम रखेंगे, देन डिमांड बढ़ती है तो वैसे प्राइस बढ़ती जाती है, तो आपको कोशिश करनी कि आप लोग पहले परचेज कर लो। मैंने बहुत सारे टिप्स भी दिए हुए, डेटा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना, देन कार्ड डिटेल्स अगर सेव नहीं है तो उसको सेव कर लो, एड्रेस सेव कर लो, देन 11:30 से 12:30 बता बोल चुका हूँ, और यहाँ पर रिफ्रेश करते रहना आपको बैक एंड तो आपको मिल जाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 11:30 से 12:30 क्योंकि ऐसा मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने 12 बजे से पहले फोन ले लिया, ये अमेजोन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये ऐसा है कि भाई खुद एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है, देन डेफिनेटली आपको ये 101% आपको ये फोन बहुत कम रेट में मिल जाने वाला है। और मेरी रिकमेंडेशन भी यही रहेगी कि भाई आईफोन 14 प्लस ही ले लो, पर अच्छा खर्चा कर लो बड़ा फोन, तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली आईफोन 14 प्लस परचेस कर लेना चाहिए। और मैंने आपको बहुत से टिप्स भी दे दिए हैं जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाने वाली है, तो कोशिश करना है आपको कि फटाफट आप इसको परचेस कर लेना। और सेल की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में कहा जा रहा है कि सेल आने वाली है, तो वेट करिए। और Amazon Retailing फेस्टिवल सेल के ऊपर भी हम बहुत सारे कंटेंट लाएंगे, बिग ब्रांड के ऊपर तो आ ही रहे हैं आप लोग जैसे कि देख रहे हो, तो चैनल पर बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, तो चैनल पर आप लोग बने रहो और हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे डेली कंटेंट आता रहता है। और बहुत ही कम हम बचे हैं, बस 49-48 सब्सक्राइबर्स बचे 10K की, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।